मुंबई आजाद मैदान में 23 फरवरी को होगा जमीयतुल उलमाए हिंद का सालाना जलसा। उलमाओं ने की सभी से शिरकत करने की अपील। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 20 फरवरी को कौसा साहिल होटल में जमीयतुल उलमाए हिंद मुमरा अरशद मदनी द्वारा एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें जमीयत के सालाना जलसे के बारे में जानकारी दी गई। 23 फरवरी को मुंबई के आजाद मैदान में ये सालाना जलसा होने जा रहा है, जबकि हर साल ये देवबंद में होता है उत्तर प्रदेश में, मगर अब की बार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के कारण दिल्ली में उन्होंने प्रयास किया, दिल्ली में भी अनुमति नहीं मिली, तो अब उसे मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। सीए एनपीआर एनआरसी के विरोध में इस जलसे की अहम भूमिका है और सभी लोग जो है जनतंत्र को बचाने के लिए जलसे को कामयाब बनाए, सफल बनाए। सभी धर्म के लोग, सभी विचारों के लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। ये कहते हुए उलमाओं ने इस पत्रकार परिषद में क्या कहा और कैसे अपील की, वो हम आपको बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपनी तरफ से और मेरे बड़ों की तरफ से अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता हूँ। सारी तारीफ उसी वाहदहु ला शरीक लहू की है जिसने इस मुल्क की कौमी यकजहती और जमहूरियत के तहफ़ुज़ की खिदमत के लिए मुसलसल 100 बरस से जमीयत उलमाए हिंद को कबूल फरमाए हुए हैं। ये सेकुलर तंजीम है जमीयत उलमाए हिंद, हमेशा मुल्की सतह पर फलाही और तामीरी कामों में मसरूफ़ और सरगर्दा रही है। आप हजरात को ये इतला देते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 23 फरवरी बरोज़ इतवार शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक मुंबई के तारीखी आज़ाद मैदान में इजलास आम होने जा रहा है, जिसका उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत कॉन्फ्रेंस। हम सबको खबर है आज मुल्क के अंदर बदअमनी फैली हुई है, इसी मकासद के पेश नज़र कुल हिंद से सियासी, समाजी, मजहबी रहनुमा और कायदीन तशरीफ़ ला रहे हैं। ये इजलास इतिहास का एक सुनहरा वर्क, एक सुनहरा हिस्सा बनने जा रहा है। इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि ये इजलास मुस्तकबिल में हम सब के लिए मशले राह साबित होगा। सलाम अलैकुम। लिहाजा हम मुमरा में बसने वाले और ये कॉन्फ्रेंस जहाँ तक पहुँचे और जिन लोगों तक पहुँचे उनसे हम अपील करते हैं कि 23 तारीख को बरोज़ इतवार 6 बजे से, शाम को 6 बजे से आज़ाद मैदान में हर फर्द इस कॉन्फ्रेंस में जुड़कर अपना अखलाकी फरीज़ा अदा करें। यही हमारी अपील यहाँ के शहरवासियों से भी है और जिस तक भी ये वीडियो पहुँचे और ये कॉन्फ्रेंस पहुँचे उनसे भी अपील है कि उसमें शामिल होकर अपना अखलाकाना किरदार अदा करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। और जो कुछ माशाल्लाह अभी सब तफसील से बात आ गई, जो कुछ भी ये होने जा रहा है ये कोई नई चीज़ नहीं, हमें आईन ने इसका हक दिया है। हम इसके लिए कोई नई चीज़ नहीं करने जा रहे हैं। हम आवाम से इसलिए दरख्वास्त कर रहे हैं ताकि आवाम आए और दस्तूर ने उनको अपने कानून से लड़ने के लिए या हुकूमत जो जुल्म करने जा रही है हमें दस्तूर वो दस्तूर से कहाँ कहाँ टकरा रहे हैं हमें समझें। हम क्या करें इसके लिए, किस तरह की हमारा हमें मुस्बत काम करना है वो भी वहाँ समझेंगे। इंशाल्लाह बड़ों के ज़रिए हम उनकी बातें सुनेंगे, हमें उसका रास्ता निकलेगा और इंशाल्लाह हुकूमत मजबूर होगी इस कानून को वापस लेने पर। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है इसका असल मकसद ये है कि जमीयतुल उलमाए हिंद जो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की एक ऐसी तंजीम है जो पूरे हिंदुस्तान में जानी जाती है, इसके काम और इसके तौर तरीके जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मालूम है, और ये जमात आज़ादी से लेकर अब तक हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के मुसलमानों की खिदमत करती रही है। आज 2019 के अंदर इसका जो इसकी तारीख़ है यानी इसका 100 साल पूरा हो रहा है, 100 साल इस तंजीम को बने हुए हो गया है। अब इस तंजीम का जो अहम इजलास है जो दिल्ली और देवबंद में होता है वो दिल्ली और देवबंद में ना हो करके ये महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है। उसकी वजह ये थी कि देवबंद के अंदर योगी सरकार की हुकूमत है, योगी सरकार है, वहाँ पे परमिशन नहीं मिला। उसके बाद दिल्ली में हम लोग चाहे परमिशन मिले वहाँ भी नहीं मिला, तो अल्लाह अल्लाह करके महाराष्ट्र में इसका परमिशन मिला है।
महाराष्ट्र में आज़ाद मैदान में 23 तारीख को जानसीन शेख उलइस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब और उनके साथ मुल्क के और मशाहिर लोग तशरीफ़ ला रहे हैं। और ये प्रोग्राम जो है ये तहफ़्फ़ुज़ जम्हूरियत का प्रोग्राम है, क्योंकि आइन जब बचा रहेगा तो हम आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और इस प्रोग्राम के अंदर हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे जमीयत के जो मरकज़ी मेंबर हैं तकरीबन 3 से 3,500 लोग आए हुए हैं, जो हर सूबे से, हर सूबे के ज़िलों से और उनकी यूनिटों से थोड़े जो है वहाँ साबू सिद्दीक 2,000 के करीब साबू सिद्दीक मुसाफिर खाने में रुके हुए हैं और 700-800 हज हाउस में रुके हुए हैं और थोड़े जो है बलवास होटल में हैं। उनका 4 दिन का इंतज़ाम जमीयतुल्लमा हिंद जमीयतुल्लमा महाराष्ट्र कर रही है। और उनका जो प्रोग्राम है वो 22 तारीख को सुबह 9 बजे से 1 बजे तक ये हज हाउस में है। उसके बाद फिर मगरिब की नमाज़ के बाद, इशा की नमाज़ के बाद तक है। उसके बाद फिर 23 को सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है और 23 को फिर 5 बजे से 10 बजे तक खुले मैदान के अंदर यानी मुंबई आज़ाद मैदान के अंदर बड़ा प्रोग्राम है, जो आम इजलास है, आम जलसा है, जिसको सारे लोग वहाँ पे, ये हम तमाम के तमाम जो यहाँ के जिम्मेदार हैं और पूरे महाराष्ट्र के जिम्मेदार हैं वो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। क्या इसमें देश भर से लोग आ रहे हैं? यहाँ पूरे मुल्क से लोग आ रहे हैं और पूरे मुल्क से बड़े बड़े जो जमीयतुल्लमा के जो वहदों पे फाइज हैं, कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई सदर है, वो तकरीबन 3,500 लोग आ चुके हैं जो मुंबई के अंदर क़याम पज़ीर हैं। कितने लोगों की भीड़ होगी? भीड़ तो हम लोगों का अंदाज़ा ये है कि 1 लाख के करीब लोग रहेंगे, क्योंकि इस मौके पर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातहुम तशरीफ़ लाए हुए हैं और उनकी आमद बायसे फ़ख्र है महाराष्ट्र के लिए और सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे। बहरहाल मौलाना तशरीफ़ लाए। अब ये जो 2 दिन का प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के अंदर तजवीज़ पास की जाएगी, बनाई जाएगी, लिखी जाएगी कि आइंदा हमको क्या करना है। वो सारी तजवीज़ें आज़ाद मैदान के अंदर आम पब्लिक में पढ़कर सुनाई जाएगी और वहाँ पे लोगों को ये सारी चीज़ें बताई जाएगी।